हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 3 है, इसका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है, इसका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी वीडियोज जरूर देख लेना, बिकॉज ये चैप्टर भाई अपने आप में बहुत ही अलग लेवल में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि इसकी एक बार वीडियो चैप्टर की देख लेना, तो आपको सब कुछ अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, एक बार लाइक वगैरह कर देना वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका क्वेश्चन बैंक सबसे पहले चाहिए, बिकॉज मैं अभी तो लाइन से ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों यही पूछूंगा भाई, आप लोगों से पूछना बहुत जरूरी है, आप लोग भगवान हो। ठीक है, तो न्यू इंडियन एरा ये आपका चैनल है और सब्सक्राइब कर देना, और ये बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे, ये सारे के सारे आपको पता ही होते हैं, ये सब मेरा बता के फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, तो ये डोमिनेंस पहला आंसर है, फिर दूसरे का अपना यहाँ पे डी है, फिर तीसरे का यहाँ पे बी है। ये सभी आप लोग को फटाफट सारे के सारे आंसर एकदम जल्दी जल्दी याद कर लेने हैं, ये स्क्रीन शॉट चाहो तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सी आएगा, इसका डी आएगा, तो ये सारा का सारा आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो कि इन ह्यूमन बींग्स 45 क्रोमोसोम सिंगल एक्स एक्स ओ एबनॉर्मलिटीज कॉजेस होती हैं, फिर 10th में वेब्ड नेक्ड होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ दुनिया भर की चीजें पढ़ लो अच्छे से बढ़िया। ठीक है, पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, वहां से आप लोग को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फटाफट अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप अपना सिटी डाल दो, जैसे कि आप मुंबई में, दिल्ली में, जहां भी रहते हो। उसके बाद आप लोग को ओटीपी आएगा और उसको सिलेक्ट करके आप जिस भी गोल सीबीएसई क्लास 10, 12 जो भी आप पढ़ रहे हो या महाराष्ट्र बोर्ड आप पढ़ लो, फटाफट उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा आस्क अ डाउट का ऑप्शन, वहां पे आपको कोड डालना है NIE कैपिटल लेटर में। ठीक है, और आपको यहां पे सब कुछ अनलॉक हो जाएगा फ्रीली, और उसके बाद आपको जाना है आस्क अ डाउट के अंदर, तो वहां पे ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का पिक्चर लेना है और क्रॉप करना है और अपलोड कर देना है। इमीजिएटली आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग। तो क्रॉप करना है किसी भी क्वेश्चन को आपकी किताबों में से, और आपका उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाओ और अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर। चलो सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले हमारा फर्स्ट है डिफाइन इनहेरिटेंस। तो भाई, इनहेरिटेंस के दो दो यहाँ पे डेफिनेशन है, कोई भी एक इस्तेमाल करो, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, और दोनों एक ही बात है, कोई अलग थोड़ी है। देखो पढ़ लो चाहे लाइन से, सब में मतलब एक ही है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एलिलोमॉर्फ। तो ये इसका यहाँ पे, अब देखो इसको क्या समझाना, सब कुछ वीडियो में समझा रखा है, पहले ही बोल दिया, वीडियो में देख लो अच्छे से। ठीक है, पहले ही बोल रखा है, तो ये यहाँ पे आप एक बार अच्छे से इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द टेस्ट क्रॉस, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन यूप्लॉइडी। तो ये इसका यहाँ पे सारा का सारा लाइन से आंसर देके दिया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा पढ़ते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5th, गिव वन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे आंसर है इसका एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला मेल्स शोज कंप्लीट लिंकेज, तो ये आप आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नाम लगता है बोलने में, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, याद रखना इसको, कभी भी सुनोगे ना मेरी याद जरूर आएगी, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी का विलन है ये, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, ये चार लिंकेज यहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं यार, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। 5 बार जरा बोलो आप लोग, कसम से कहता हूँ यार, तुम लोग अलग फील करोगे, साइकोलॉजी के साथ खेल रहा हूँ तुम्हारे में। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर 5 बार बोलो, देखो कैसा फील होगा तुम्हें, मजा आएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें अजीब लगेगा। देखो बोलो एक बार, विच जीन शोज यहाँ पे स्ट्रेट इनहेरिटेंस। तो भाई वाई क्रोमोसोम स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाता है। हाउ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हनी बीज। अब भाई प्रोड्यूस होते तो मैं क्या करूँ, जाओ मुझे क्यों बोल रहे हो हाउ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आप कहोगे ये बायोलॉजी यार, यहाँ हमें सब पता करना पड़ता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हनी बीज। अब कैसे भी प्रोड्यूस हो ये भी जानना जरूरी है क्या, कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं दुनिया में लोग, मतलब चलो ठीक है पढ़ लो यार। पार्थिनोजेनेसिस में यहाँ पे जो है ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हनी बीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रीजन फॉर 21st ट्राइसॉमी। ठीक है, तो मतलब ये रीजन इसका है कि नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, या फिर फेलर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे रहते हैं ऑटोसोम्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें फेलियर हो जाती है, इस वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्स मोनोसोमी यू हैव स्टडीड।
अब भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे। आधे बच्चे कहेंगे इसमें क्या लिखा है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ एक्स मोनोसोमी यू हैव स्टडीड। अब भाई हमने जब पढ़ा ही नहीं तो हम कौन सा लिखे, हमको हमको हमने पढ़ा ही नहीं है, लिख देने का सर सर हमने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, नाउ टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स मोनोसोमी, ये लिख देना अच्छे से यार, ऐसा कुछ नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे नाक कटवाओगे क्या, टर्नर सिंड्रोम लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर टू मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे देख लो अच्छे से, मतलब टू मार्क्स क्वेश्चन। तो पहला भाई डिस्कस एनी टू पॉइंट्स ड्यू टू विच मेंडेल गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब भाई किसी भी किसी में भी सक्सेस रहो मुझे क्या करना है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा किस में उनको सक्सेस मिली, मतलब यहाँ हम खुद सक्सेसफुल नहीं है। बच्चे बोलते रहेंगे सारे स्टूडेंट लोग कि अरे क्या सर यहाँ हम खुद ही सक्सेसफुल नहीं है और दूसरे के सक्सेस के बारे में हम आंसर लिख रहे हैं, उसमें भी हमको एक मार्क्स मिलेगा, मतलब क्या ही चर्चा चल रही है। ठीक है, तो फॉलोविंग्स आर द रीजन फॉर मेंडेल सक्सेस। तो पहला है भाई इनका सारा का सारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने मतलब लार्ज सैंपल मिला था प्लेट में अच्छे से एकदम, तो ये सब आप लिख देना। पी प्लांट में इन्होंने नहीं किया, जो पी प्लांट था उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि उनको बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले थे, तो इस वजह से वो बहुत फेमस हो गए, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। एक बात अच्छी कि मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला था, मतलब उनकी आत्मा आई थी नोबेल प्राइज लेने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ज्यादा आत्मा आत्मा के बारे में नहीं बोलते ना तो मेरे बगल में बैठ जाएंगे मेंडल भैया, बोलेंगे कहो प्रशांत क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ दुनिया में, हमारी आत्मा के बारे में तुमने कुछ कहा अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं बोला अरे यार भैया राम राम दूर ही रहो। ठीक है, तो गिव एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस, इसके बारे में दो पॉइंट बताओ बताओ। तो होमोजोगस एंड हेटरोजाइगस के बारे में यहाँ पे दो पॉइंट्स आप लोग अच्छे से देख लो, पहला पॉइंट दो पॉइंट चलो एक एक्स्ट्रा दे दो भाई, मतलब ठीक है बाय टू गेट वन थ्री ले लो अच्छे से। ठीक है, तो दे फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, ये आप अच्छे से यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल भैया, अच्छे से ध्यान रखो तभी फायदे में रहोगे। आगे निकलते क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड स्टेट इट्स रेशियोज। तो टेस्ट क्रॉस अच्छे से बताना पड़ेगा, जब भी क्रॉसिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो पहले बताओ कि टेस्ट क्रॉस क्या है, ये डिफाइन कर दिया, देन उसके बाद इसके दो एग्जाम्पल दे दो और यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करके दिखा दो। ठीक है, ये पूरा क्रॉस करके दिखा दिया अच्छे से, ठीक है ध्यान रखो। और देखो फिर उसके आगे, अब टेस्ट क्रॉस अलग अलग चीजों में होते हैं ना, तो हेटरोजाइगस में दिखा दिया, ये होमोजाइगस में दिखा दिया, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं था ना कि हेटरो में दिखाओ कि होमो में दिखाओ, तो हमको पूरा फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दिखाना पड़ गया। ठीक है, तो हमको इतना ये बड़ा नहीं है, हालांकि छोटा ही है, आपको लग रहा है बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, गिव एन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, मतलब इसने भी अकाउंट खुलवा रखा है क्या। ठीक है, विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाओ, तो वही भैया मेंडेल जी की जय हो। मतलब कोई ना कोई यार दुनिया में, ये बाहर देश वालों को ना कुछ काम धंधा था नहीं, बाहर देश वाले जितने भी थे इनको यही दुनियादारी करनी थी, तो इसीलिए ये लोग कभी कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस निकालता है, कभी पी प्लांट उठा के कुछ भी कर देता है, कभी एप्पल गिरवा लेता है टकले में, तो इनका सब यही काम धंधा है। हमारे यहाँ के अच्छे बाबा साधु ही बढ़िया है भैया, एक दो बार फूंक देते हैं तो सारा सर का दर्द गायब हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के बाबा लोग ही ठीक ठाक है, इनके यहाँ का भी बहुत खतरनाक रोल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, तो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ एलील्स जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली। तो ये आंसर है फटाफट, मिराबिलिस जलापा, इसको भी पांच बार बोलना, एक ही चीज अच्छी चीज फील करोगे। तो मिराबिलिस जलापा जो है, तो ये हमारा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा प्लांट का नाम है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, बढ़िया कुछ ये एकदम रेड फ्लावर दिखाता है। इसका यहाँ पे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग देख लो बहुत जरूरी होती है, क्रॉसिंग एग्जाम में लिखना पड़ता है, दो मार्क्स देता है क्रॉसिंग, पूरी कंप्लीट क्रॉसिंग, ये सब समझाया है। ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैंने तुमको समझाया नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग समझाया यार प्लीज। ठीक है, थोड़ा समझ के रखा करो यार, सब कुछ समझाया है, नाक मत कटवा लेना। ठीक है, तो सब कुछ समझाया मैंने, सब इसीलिए तो पहले का वीडियो देख लो, मैं तो स्ट्रक्चर तरीके से आपको आंसर दे रहा हूँ, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस इन कलर कोट इन कैटल विद द चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड बताना पड़ेगा, पहले भाई कोट कलर इन कैटल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ये बताना है का, फिर उसके बाद इसका यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस अच्छे से प्रॉपर लिखने का, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक गैमेट्स एफ वन जनरेशन सेल्फिंग एंड देन गैमेट्स, ये भी सेल्फिंग कर देंगे क्या। ठीक है, अच्छी बात है, तो ये सब अच्छे से यहाँ पे लिख देना है, एंड देन आफ्टर दैट गैमेट देन सेकंड जनरेशन आफ्टर दैट दिस इज द चेकर बॉक्स। ठीक है, इसको आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना चेकर बॉक्स है, इसको अच्छे से बना देना एग्जाम में। आगे बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राइट एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ एन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ देख लो भाई, पहली बात तो इसको किसने प्रपोज किया था, अब भाई कोई भी प्रपोज करे हमको क्या फर्क पड़ता है, यहाँ हम ऐसे ही बैठे हैं ये प्रपोज कर रहे हैं, तो सुटोन एंड बोवरी, इट्स ओके यार इट्स ओके। ठीक है, तो सुटोन
एंड बोबरी ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर दिए, एक दूसरे को नहीं सॉरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। ठीक है चलो, बहुत बहुत बढ़िया यार, तुम दोनों जिंदा ही क्यों। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट नंबर वन, क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे ये सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल्स में फाइंड होते हैं, और ये यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में करते हैं सब मैंने बताया आपको नोट्स के थ्रू। ठीक है, इनके गैमेट्स में यहाँ पे स्पर्म्स एंड एग्स वगैरह यहाँ पे हेरिडिटी कैरेक्टर्स में सारे सारे अवेलेबल है, ये सब यहाँ पे यूनियन होता है इनका, और ये करेक्ट पॉइंट्स के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन सेक्स लिंकेज। चलो भैया इस लिंकेज को तो देख लो पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स एंड वाई यहाँ पे दो टाइप के लिंकेज होते हैं जो कि नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पूरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, नियर साइटेडनेस होता है, वाई लिंक्ड में हाइपर ट्राइकोसिस, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब उसी का पॉइंट नंबर 2, ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज है और यहाँ पे इनकम्प्लीट, मतलब दोनों बताने पड़े, कंप्लीट भी होता है कभी कभी, इनकम्प्लीट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे ये कोई इनहेरिट नहीं करते जबकि ये सबके सब इनहेरिट कर लेते हैं, ये पॉइंट डिफरेंस में याद रखना। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट बताओगे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतने ही पॉइंट लिख के आना एग्जाम में, एक दो पॉइंट भी कम कर दोगे तो फिर नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो भाई कंप्लीट वही जो अभी करा था ना, वही सेम क्वेश्चन है, एज इट इज छाप दो। देखो यहाँ पे जो बताया ना भाई, यहाँ पे जो बताया अभी उसी चीज को यहाँ पे छाप देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्या ही भाई यहाँ पे चल रहा है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। हमारे यहाँ के स्टूडेंट बोलेंगे हमको इंसानों का नहीं पता, बर्ड्स का क्यों ढूंढने जाएंगे भाई, चिड़ियों से हमको क्या लेना देना है। चलो ठीक है यार, देख लो बर्ड्स में भी क्या होता है, देख लो यहाँ पे काला कांडी। अब देखो यहाँ पे तो जो बर्ड्स है यहाँ पे क्रोमोसोमल मैकेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ZW ZZ से, हमारे में जानते हो ना क्या होता है, XX और XY से होता है। ठीक है, इनके में ZW और ZZ मतलब एक खुरापातिया यहाँ पे कहीं ना कहीं रह गई। देखो यहाँ पे तीनों यहाँ पे XXX है बट एक एक्स्ट्रा वाई है, ऐसे यहाँ पर ZZZ है और एक खुरापातिया YW है, मतलब एक ना एक खतरनाक वाला कहीं ना कहीं रहता ही है। वो बोलते हैं ना, चार लोग का अगर एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में एक बहुत अलग तरीके का आदमी रहता ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे में ही XX और XY होता है, तो ये चार के चारों हमारे क्रोमोसोम्स हुए ना, तो ये जो Y है ये खुरापाती आदमी बैठा है, इसी की वजह से सब कुछ जेंडर चेंज हो जाता है, यही तो है वो जो जेंडर चेंज कर देता है। मेल बना देगा किसी को फीमेल बना देगा, मतलब यही तो सर्वशक्तिमान है, जब मन करे तो प्राण ले, मन करे तो प्राण दे, कुछ भी कर सकता है, कभी भी जान ले सकता है, जान दे सकता है, फीमेल बना सकता है, मेल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, भगवान है ये, जय हो भगवान की। आगे बढ़ो, तो हेटरोजाइगोमेटिक एंड, भाई जिसको ये जोक नहीं समझा होगा वो शांत रहना, कमेंट बॉक्स में कुछ मत कहना ठीक है प्लीज, क्योंकि समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पे देखो 50% एग कैरी करता है, 50% कैरी जेड क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है थर्ड पॉइंट्स में कि जो होमोगैमेटिक होता है प्रोड्यूसेस 1 टाइप ऑफ स्पर्म्स एंड यहाँ पे कैरी जेड क्रोमोसोम्स ही कैरी करके रखता है। इस तरीके से ओवा वगैरह बनते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसकी क्रॉसिंग होती है एंड आफ्टर क्रॉसिंग यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। तो देखो ये मेल एंड ये फीमेल, इस तरीके से इसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, बस इतना ही बताना है। इसी की जगह में अगर ह्यूमन बींग का पूछ लेता तो आपको मेल में यहाँ पे एक्स वाई लेने का और यहाँ पे एक्स और एक्स लेने का, सेम तरीके से कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ह्यूमन बींग का भी ऐसे ही हो जाता है, सेम आंसर बस रहता है और कुछ नहीं। गिव डिटेल अकाउंट ऑफ थैलेसेमिया, ये एक बीमारी होती है थैलेसेमिया। तो ये भाई ये ऑटोसोमल एक इनहेरिटेड रिसेसिव डिसीज है, मैंने पहले ही बोला था। ये क्यों होता है जानते हो, ये हीमोग्लोबिन जो रहते हैं ना मॉलिक्यूल्स, ये मेटअप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बने होते हैं। तो जब क्या होता है कि इसके अंदर ना ये सारी कंट्रोल्ड मतलब हो ही नहीं पाती बहुत सारी चीजें, और इनका अंदर जो सिंथेसिस है अल्फा चेन्स का वो प्रॉपर तरीके से मतलब हो भी पाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, और सिंगल जीन्स के ऊपर डिपेंड रहता है, इस बात को आपको ध्यान देना। क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपको पता होगा 1 से लेकर 46 तक हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं, उसी की बात कर रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, अभी सब पढ़ लोगे कोड वगैरह, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स बेसिकली ये रहता है कि इसके अंदर जो साइज होता है आरबीसीज का यानी रेड ब्लड सेल का, ठीक है, तो यहाँ पे जो आरबीसीज है रेड ब्लड सेल, तो इनके साइज में चेंजेस होते हैं और स्किन हमारी पीली कलर की हो जाती है, येल्लो पीलिया हो जाएगा, पीलिया नहीं होता है, येल्लो स्किन होती है बस। हमारे बॉडी का ग्रोथ स्लो होता है और डार्क यूरिन एकदम ब्लैक कलर की निकलती है, बहुत खतरनाक तरीके से, पानी पियोगे पानी कलर का और निकालोगे काला कलर का, ठीक है, तो डार्क यूरिन निकलती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं थैलेसेमिया, ठीक है। और मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और इन पेशेंट्स में, इस बात को ध्यान देना, सब थैलेसेमिया सिकल सेल एनीमिया वगैरह वगैरह सब इसके यहाँ पे सिम्टम्स, सिम्टम्स को 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन को 1 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स वाले देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एनलिस्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इन पी प्लांट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड इन टैबुलेटेड फॉर्म। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स यहाँ पे देख लो, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यहाँ पे देख लो पोजीशन ऑफ फ्लावर
पॉड कलर और ये सीड कलर सब यहाँ पे देके रखा है, सब फटाफट देख लो। हाफ मार्क्स एक को मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव हाफ मार्क्स इधर हाफ मार्क्स इधर मिलेंगे, ठीक है। चलो टू है हमारा, गिव एन अकाउंट ऑफ प्लियोट्रॉपी विद द सुटेबल एग्जांपल। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, पहले देखो ये लिख दो, प्लियोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं समझ जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब दो या दो से अधिक हमारे ट्रेड्स को जो कंट्रोल करता है, एक सिंगल जीन जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी, ठीक है। ऐसा फिलहाल हमारे हेटरोजाइगोट्स में होता है, जो माइल्ड एनीमिया जिसको रहती है आरबीसीज वगैरह में, उनको ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसे ऐसे कंडीशन में इंसान मर भी जाता है कभी कभी, बहुत खतरनाक तरीके से फेटल एनीमिया होता है जिसको, तो मर भी जाते हैं। ये रही उनके अंदर हीमोग्लोबिन, जो एचबी मतलब हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे आपका क्रॉस है, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे हमारा प्लियोट्रॉपी का, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। वाह 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 वाह, पहले भैया इनको देख लो, यही है हमारे वो सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहां पे एक्स और वाई, ये बात आपको ध्यान देनी है, तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इसे अच्छे से देख लो, और यहां पे इसके बारे में सब लिख दो। एक्स क्रोमोसोम स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। भैया ये एक्स वाले क्रोमोसोम ही बड़े होते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर घर है तो घर का होम मिनिस्टर जो होता है वो बड़ा ही होता है। होम मिनिस्टर मतलब पता है ना, घर के जो ये रहते हैं ना, ये होम मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो ये घर के होम मिनिस्टर हैं, तो भाई हमारे क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम भी बड़ा है, और एक्स क्रोमोसोम बिलोंग्स टू फीमेल, और ये वाई क्रोमोसोम देखो कैसे बच्चे जैसे चिपक के रहता है घर में। आपको एक स्टोरी सुनाऊं क्या, एक स्कूल रहती है और वहां पे ना एक प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। एक स्कूल रहती है, वहां पे एक प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल बहुत डेंजरस रहता है, पूरा स्कूल उससे डरता है, सब उसको शेर कहा करते थे प्रिंसिपल को। एक दिन उसके चपरासी रहते हैं ना, एक प्यून, प्यून बोलता है प्रिंसिपल को, सर आप घर में भी ऐसे रहते हो शेर बन के। प्रिंसिपल बोलता है नहीं यार, वहां मेरे ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है, ठीक है। तो वही है देखो, ये इतनी बड़ी दुर्गा है और ये इतना बड़ा प्रिंसिपल है, कैसे काम चलेगा। ये वाई क्रोमोजोम ये एक्स क्रोमोजोम है, तो भाई काम नहीं चलता है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोजोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोजोम बहुत छोटा रहता है, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोजोम एक्रोसेंट्रिक होता है, सब लिख डालोगे, ठीक है। सब आंसर में पहले देखे बता चुका हूं, बस पॉइंट वाइज सब आपको यहाँ पे आंसर दिया, पॉइंट वाइज फटफट फटफट लिख डालने का, ठीक है, मस्ती नहीं करने का, पढ़ाई करने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, व्हाट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट डिजॉर्डर्स ड्यू टू ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो भाई पहले डेफिनेशन ले लो ऑटोसोमल डिजॉर्डर्स की, और इसमें से डिजॉर्डर होता है पहला विडोज पीक, देन फिनाइल कीटोनूरिया। देखो बताता हूं मैं आप लोग को, ये एग्जैक्टली मतलब जो डिफरेंट डिजॉर्डर्स होते हैं ना ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के वजह से, यहाँ पे डिजॉर्डर्स होते हैं। अब आपको बताता हूं मैं, देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द ऑटोसोम्स, मतलब ऑटोसोम्स की मदद से अगर कोई भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उसे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो विडो स्पीक में क्या होता है कि एक प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन आती है फोरहेड के ऊपर, जो कि विडो स्पीक को दिखाता है। मतलब देखो ना, जैसे कि टकला है किसी का, ऐसे टकला रहता है, टकला ऐसे होता है ना, ठीक है। और इसकी फेस में ऐसे बाल रहते हैं, मतलब ऊपर ऐसे ऐसे शेप में बाल रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे बाल रहेंगे उसको, मतलब समझ रहे हो ना, गेटिंग में, यहाँ पे ऐसा वी शेप बना रहेगा टकले के ऊपर, समझा, तो ऐसे रहता है, इस बात को ध्यान देना। और किसी किसी का नॉर्मल रहता है, किसी किसी का ऐसे ऐसे देखो नॉर्मल रहता है, इससे कुछ नहीं होता, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द जीन्स, ठीक है। अरे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने सारे जितने भी पॉलिटिशियन है सबको ऐसे करेक्टर दिखाता है, एक बिलियनर है। देखो आज के बाद आपको एक बात बताता हूँ, हमारे इंडिया जितने भी वर्ल्ड के बहुत सारे 90% 80% मतलब पॉलिटिशियंस अपने जितने भी बिलियनर्स है टॉप 10 में, इस बार जाके देख लो, चाहे तो इलॉन मस्क को देख लो, इवन इलॉन मस्क को नहीं है, ठीक है, और मतलब और एक अपने जो है वो तो टकले ही है, ठीक है, तो उनको विडो स्पीक देख के फायदा ही नहीं है अपने अमेजोन वाले भाई को। हाँ बिल गेट्स साहब को देख लो, अपने मुकेश अंबानी साहब को देख लो, इन सबको देख लो, मे बी इनको है, मैंने ऐसा सुना है, और बाकी हीरो लोग को देख लो, जितने भी पॉपुलर लोग हैं सबको विडो स्पीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कोई डिजॉर्डर जैसी चीज नहीं होती, ये होता है सभी को, ये होमोजाइगस कंडीशन इसमें डोमिनेंट होती है, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। अभी अगर ऐसा तो मेरे को भी है ये विडो स्पीक, तो मतलब मेरे को भी डिजॉर्डर्स है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये जस्ट इट्स नॉर्मल, और ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये सब जीन्स का कैरेक्टर होता है। अब मैंने विडो स्पीक वाले कैरेक्टर एक्वायर करके रखे हैं, तो उसमें क्या ही हो गया, गलत कर दिया क्या मैंने ये वाले ले लिए। तो फिनाइल कीटोनूरिया ये बीमारी है भाई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, जिसमें से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है,
और जिससे इंसान के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मल ऑटोसोमल जीन्स आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है बॉडी में। इस बात को आपको समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी है, दिस एंजाइम्स इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू ट्राइजिन्स। ये सब आप पढ़ लेना पटापट। यहाँ पे फिनाइल कीटोनोरिया ऐसी बीमारी होती है, इस बात को आपको देना। एक्सेस ऑफ फिनाइल एलेनिन जब हो जाता है बॉडी में यूरिन में तो फिर ये बीमारी हो जाती है, इसको थोड़ा समझ के रखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न समझाने के लिए इतना बड़ा मतलब यार कैसे मतलब आपको समझ रहे ना, ये सब बताया पहले, तो इसको एकदम सेम टू सेम आंसर में लिखने का है, जो कि ग्रे कलर का पेयर होता है। मतलब कुछ भी देखो आपको सर ग्रे ही दिखता है इसमें, इस बात को आपको ध्यान देना है ब्लाइंडनेस में। मतलब जब आप किसी इंसान को लाल कलर दिखाओ और हरा कलर दिखाओ तो उसे ना ग्रे ही दिखेगा, तो समझ जाना कि ये इसकी कहानी खराब है, ये अंदर ही अंदर भाई गड़बड़ आदमी है, ठीक है। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। आगे बढ़ो तो नॉर्मल, हाँ अब ये बता दिया है कि अगर मान लो कोई एक नॉर्मल मैन है और उसने कैरियर वुमन से मैरी कर लिया, मतलब एक ऐसी समझो गर्ल से और जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको लाल और हरा ग्रे ही दिखता है, सो लाल दिखाओगे तो भी ग्रे ही दिखेगा और हरा दिखाओगे तो भी ग्रे ही दिखेगा। ऐसे में बहुत फायदा होता है, तुम लोग बहुत फायदा उठा सकते हो ऐसे लोग, ठीक है। उनको कुछ लाल कलर का दिखाओ और उसको ग्रे चाहिए रहेगा ना, तो लाल और हरा दिखाओ उसको ग्रे ही दिखेगा। ले ले भाई तेरा पस, तेरे को ग्रे कलर बहुत पसंद है। मतलब सोचो यार, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता होगा वो जिंदगी में कभी लाल कलर कैसे होता है और हमारा ग्रीन कलर कैसे होता है वो जान ही नहीं सकता, समझ रहे ना। अच्छा, कितने लोगों को ये जो मैं जिससे लिख रहा हूँ उसको ये रेड दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा, कितने लोग को रेड दिख रहा है, कितने लोग को ग्रे दिख रहा है। तो झूठ मत बोलना, ऐसे नहीं दिखेगा तो भी कह दोगे कि रेड दिख रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये अच्छे से पूरा क्रॉस है, इसको आप समझ के रखना। अगर मान लो नॉर्मल मैन मैरी करता है ऐसे कैरियर वुमेन से जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे कुछ नहीं, 50-50 अपने चांसेस बनते हैं भाई। वो हो सामने वाले का जो सामने वाला चिल्ड्रन आएगा, मान लो जैसे कि एक मैन है और जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और एक फीमेल है जिसको है, तो इनसे जो भी चिल्ड्रन आएगा उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड्स कि वो सामने वाला बंदा किसके कैरेक्टर को कैरी करता है। अगर मॉम के कैरेक्टर को कैरी कर लिया तो तब तो जय श्री राम हो जाएगा, उसको भी कलर ब्लाइंडनेस। चलो आगे बढ़ो। तो ये सारा पॉइंट है, ये सारा कंडीशन देख रखा किसको कैसा कैसा है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, सब पढ़ लेना, अच्छे से समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन ब्लीडर्स डिजीज एंड इट्स इनहेरिटेंस विद द सुटेबल चार्ट। ब्लीडर्स डिजीज मतलब हीमोफीलिया। खून बहेगा तो बहता ही रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, मालूम है ना। अगर कहीं घाव लग गया तो तुम्हारा ब्लड देखो 2 मिनट बाद बहना बंद हो जाता है, बट जिसको ब्लीडर्स डिजीज होती है ना उसको खून बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए तो ये समझ लेना और ये यहाँ पे आप लोग ऐसे इसका क्रॉस कर देना, इसका इस तरीके से क्रॉस कर देना। मतलब ये कंडीशन जरूर बताना कि कोई अगर वुमेन नॉर्मल मैन से मैरी करे या कोई मेल ऐसे फीमेल से मैरी करे तो क्या कंडीशन होगी, ये सब क्रॉस के थ्रू जरूर एग्जाम में बताना, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके पहले बर्ड्स का किया था ना, सेम तरीके से इंसानों का भी होता है, बस यहाँ पे एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स वाई लेना पड़ता है, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको पता है वही, फिर ऑटोसोम्स भी होते हैं, फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम होता है। ये देखो पूरा समझा के रखा है कि 50-50% मेल और फीमेल बनने के चांसेस होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट स्टिल एक बात ध्यान देना कि वाई क्रोमोसोम जो मेल के पास होता है वही किसी के सेक्स को डिटरमाइन करता है। मतलब देखो यार, पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि अगर मान लो, देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर कोई घर है और उस घर के अंदर अगर कोई फीमेल है और अगर उसने कंटिन्यूअसली करीबन 10-15 सिर्फ गर्ल्स को ही अगर समझो जन्म दे दिया, ठीक है, उसने प्रोड्यूस किया, तो गलती उसी की देते थे कि ये ही इसी के अंदर बॉडी में प्रॉब्लम है, ये हमारे घर में पनौती है और इसने ही सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स ही गर्ल्स प्रोड्यूस कर रही है, इसी की गलती है, इसको मार के भगा देते थे। वो बेचारी जो भी मोमेंट होती तो उसको भगा देते थे घर से और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसको मार देते थे, ऐसा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको पनौती समझते थे, ऐसा पता नहीं क्या, बट उनको ये नहीं मालूम है कि उसकी कोई बेचारी गलती नहीं है, वो वुमेन है और उसके पास क्रिएशन की पावर है, वो कुछ भी क्रिएट कर देगी। उसे अगर तुम घर दोगे तो उसे महल बना देगी, अगर उसे सुख दोगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देगी, उसे पैसे दोगे वो बचा के 1000 करोड़ कर देगी, उसको अगर तुम खाना, अगर तुम उसको मतलब खाने बनाने का रॉ मटेरियल दोगे वो खाना बना के दे देगी। मतलब उसके पास क्रिएशन की पावर है, समझ रहे हो। उसको तुम छोटा सा स्पर्म देते हो एंड जस्ट ही क्रिएट्स अ बेबी, समझा। अब वो तुम कौन सा उसको स्पर्म देते हो डिपेंड्स अपॉन यू, यानी कि फादर डिसाइड करता है कि तुम सामने वाला मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम उसी के पास अवेलेबल होता है। बट नहीं, अब तक पूरे अपने इंडिया में ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से
इतनी सारी गर्ल्स के साथ हत्या किया गया, मतलब बहुत सालों पहले, 200 साल 300 साल पहले तब के जमाने में, ठीक है, जब बहुत पहले, जब मतलब इंडिया बहुत पुराने टाइम पे, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये बहुत गलत होता था, तो आज मैंने तुमको बता दिया कि कभी भी फीमेल की गलती नहीं होती है, हमेशा फादर की गलती होती है, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, इस बात को समझ के रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, डेंटनैंड सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखो सिंड्रोम ड्रम, ठीक है, चलो, तो ये सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जबकि 46 ही, मतलब 46 क्रोमोसोम रहना चाहिए, तो 47 हो जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्राइसोमी क्रिएट होती है। और इस तरीके से यहाँ पे सिम्टम्स आप एक बार देख लेना कि माइल्ड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, रिटार्डेशन मतलब पागल हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे फेस टिपिकली फ्लैट हो जाता है, आईज स्लैंट हो जाती है, फिर फ्लैट हैंड हो जाता है, स्टबी फिंगर्स हो जाती है, सब कुछ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स that in develop due to Klinefelter syndrome। आपको मालूम है ना Klinefelter क्या होता है? Klinefelter मतलब ठोको ताली, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो Klinefelter मतलब जिसके, जो कि मतलब किसी के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, समझो अगर मान लो कोई एक मेल है और उसके अंदर एक्स वाई रहेगा, कोई फीमेल है तो उसके अंदर एक्स एक्स रहेगा, तो अब क्या होगा अगर मान लो इस मेल को Klinefelter हो गया तो उसके अंदर एक और एक्स आ जाएगा, और अगर मान लो ये फीमेल इसको हो तो इसको एक और एक्स, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, समझा। तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और जिसको भी आ जाएगा वो Klinefelter सिंड्रोम बन जाएगा। तो अगर फीमेल है तो यहाँ पे ट्रिपल एक्स, एंड अगर मेल है तो एक्स वाई एक्स या एक्स एक्स वाई, कैसे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ऐसे बनता है फिलहाल, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे जो ब्रेस्ट है, मतलब मेल रहेगा ना उसके अंदर भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, मतलब कि अगर कोई मेल को ऐसा इशू हुआ, तो अगर मान लो जैसे कि मेल को एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो उसको ना पूरे, मतलब फीमेल वाले पूरे लक्षण आ जाएंगे, और मेल वाले जैसे कि मतलब उसको स्पर्म बनना ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है, और वो कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान देना। और अगर फीमेल हुआ तो फीमेल को मेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, उसको मतलब उसको बियर्ड आ जाना, एंड उसकी वॉइस हार्स ऐसी बड़ी हो जाना, उसको ब्रेस्ट करना आना, उसके अंदर ओवम नहीं बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्पर्म आने लगेगा, कुछ भी मतलब, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, बट उसको ओवम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, गिव रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम एंड ऑल्सो मेंशन इट्स सिम्टम्स, ठीक है। इस वक्त देखो देखो ये जो है ना Klinefelter, ये किसी के हाथ में नहीं होता, आजकल के अपने इंडिया में ना लोग ना चढ़ाते बहुत है, बट स्टिल मैं तुम्हें कहता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं है, बट देखो रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इनकी भी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और आजकल डेट में पता है प्राउड फील होना चाहिए कि ये लोग भी जजेस बन रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन रहे हैं, बहुत पावर है, हमें किसी को भी ना मतलब ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बेसिकली मेरा बताना काम है, मैं हैप्पीनेस के तरीके से आप सबको पढ़ाता हूँ, बट मैं कभी ऐसे रिस्पेक्ट किसी की ये नहीं करता, बस क्योंकि तुमको हमेशा के लिए याद रहे इसलिए मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हम जो हैप्पी माइंड से पढ़ते हैं ना वो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है, और हम सैडनेस के साथ पढ़ेंगे ना तो वो भूल जाता है बहुत जल्दी, तो मेरा ये इंटेंशन है साइकोलॉजिकल तरीके से, ठीक है। तो जो Klinefelter सिंड्रोम जिसको होता है ना, तो ये उनकी गलती नहीं होती, जस्ट एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्या करें, तो ये भी भाई फिर ये फीमेल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, कभी भी एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास ही होता है। टर्नर सिंड्रोम एक्स मोनोसोमी एंड एक्सो फीमेल्स यहाँ पे जो देखे रखा है, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना, 44 ऑटोसोम्स एंड एक्सो यहाँ पे क्रिएट होता है, यहाँ पे वेब्ड नेक, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, ऐसे हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें ये बीमारी है कि भाई ये ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट देख रहे हो, मतलब भैया एकदम ऐसा लग रहा है सुपरमैन की शक्तियों के साथ पधार रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी है भाई देख लो, ठीक है, बस ये खराब है यहाँ पे, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, तो भाई ये जिसके अंदर इशू रहेगा तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, इंटेलिजेंस की कमी होगी तो ये थोड़ा देख लेना अच्छे से, अगर किसी को इशू रहेगा तो उसको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, जाके चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन 4, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लो, डिफाइन इनहेरिटेंस, गिव स्टेटमेंट्स फॉर वेरियस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। चलो देखो, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो इसकी, इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर पहला इसका लॉ डोमिनेंस यहाँ पे देख लो, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लो अच्छे से आप लोग, ऑफ द गैमेट्स, ऑफ लॉ प्योरिटी गैमेट्स, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट। तो ये तीनों लॉज आप लोग को प्लीज करके जाना है, और इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख के जाना है, और वाले मतलब या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। सब समझाऊंगा नहीं, पूरा बस दिखा दूंगा,
पहला है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेनिक के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तीनों पॉइंट प्लस इसके सारा का सारा यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया, फिर इसी पूरा बहुत बड़ा आंसर है ये क्रॉस दिखा दिया, फिर इसी के अंदर कोडोमिनेंस भी आता है, तो ये इसके दोनों पॉइंट दिखा दिए, फिर इसका भी पूरा कोडोमिनेंस क्रॉस दिखाना पड़ेगा, फिर शुरू करोगे दूसरा पॉइंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा के आप लोग को, पहले क्या बोला है कि इंट्राजेनिक, तो इंट्राजेनिक में दो आते हैं, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन दूसरा कोडोमिनेंस, तो ये दिखा दिया। अब कौन सा दिखाएंगे, इंट्राजेनिक मतलब इंटरजेनिक, तो इंटरजेनिक में ये हो गया, और उसका देखो यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लियोट्रॉपी, तो इंटरजेनिक के अंदर प्लियोट्रॉपी आती है, तो ये दिखा दिया, बस खत्म कहानी। तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हो गया, बट स्टिल आपको करके दिखाना पड़ेगा, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। देखो कैसे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4 मार्क्स का तो सिर्फ 8 पॉइंट लिखेंगे, कुछ नंबर नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन पूछा है तो पूरा एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा, तभी जाके मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 8 पॉइंट लिख दो फुल मार्क्स लेके जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा समझ के रखना अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद लेबल डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में वही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, सैट बॉडी होती है, डीएनए होता है, क्रोमोनिमा होता है, टिलोमियर्स होता है, और ये इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन द एग्जाम्स एंड उसके लेबलिंग कर देना, बस आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो भाई देखो पहले इसका यहाँ पे डिफाइन, फिर सेक्स लिंक के अंदर दो आते हैं, एक एक्स लिंक्ड आएगा और एक वाई लिंक्ड आएगा, दोनों को डिफाइन करो। देखो एक्स लिंक्ड है और ये रहा हमारा वाई लिंक्ड, डेफिनेशन को 1 मार्क्स और एक्सप्लेनेशन को 3 मार्क्स मिलेगा, समझा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडेलियन एंड वन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यू हैव स्टडीड। तो आप कहते ना कि हमने कोई डिसऑर्डर्स पढ़ा नहीं है, हम मेंडेलियन का एक अकाउंट दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं भाई, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनेरिया, तो ये सब पढ़ रखे हो अभी। अभी आपने फिनाइल कीटोनेरिया पढ़ा ना, आपने हीमोफीलिया भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ जरा, वो ब्लीडर डिसीज, फिर सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ा, थैलेसेमिया भी पढ़ा, तो कोई भी एग्जांपल दे दो ना, तो थैलेसेमिया को अच्छे से समझा दो फिर से एक बार, और क्या, यही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी आप लिख सकते हो, डाउन सिंड्रोम वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, तो लिख दो ना, और टर्नर सिंड्रोम भी आप लिख दिखा सकते हो, तो इट्स योर चॉइस, लिख दो। देखो क्लाइनफेल्टर भी समझा दो, डाउन सिंड्रोम समझा दो, सब समझा के दे दिया मैंने यहां पे आपको सब, देखो, और आपको तभी 4 मार्क्स मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा के देना पड़ेगा एग्जाम में, प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक दो समझा के निकल जाओ, तो सब समझा देना प्लीज, और अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा सब पहले से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, मिलेंगे ऐसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, पीडीएफ चाहिए रहेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए सल्यूट एंड बाय 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 ऑल ऑफ यू।